नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रौनक। स्वागत करती हूँ एमपी न्यूज के एक खास सेगमेंट न्यूज रूम में, जहाँ मैं आपको रूबरू कराऊंगी कुछ खास और बड़ी खबरों से। चलिए जानते हैं क्या है वो खबरें। दमोह के घर के निर्माण के लिए खुदाई के दौरान एक लेबर को चांदी के ब्रिटिश कालीन 240 सिक्के मिले हैं। खुदाई करने वाले लेबर इन सिक्कों को लेकर पहले अपने घर पहुंचा, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। वह रात भर नहीं सो पाया। फिर बुधवार सुबह वह सिक्कों को लेकर कोतवाली थाने पहुंचा, जहां उसने प्रभारी को सिक्के सौंप दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिंड के लहार में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद बीजेपी कार्यकर्ता नगर पालिका सीएमओ महेश पुरोहित को निलंबित करने और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने सीएमओ पुरोहित को संभागीय कार्यालय नगरी प्रशासन चंबल और ग्वालियर संभाग में अटैच किया है। वहीं एसडीएम प्रजापति का भोपाल ट्रांसफर कर दिया है। उन्हें मंत्रालय में अवर सचिव बनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में भोपाल में 3 प्रदर्शन हो चुके हैं, जबकि गुरुवार को फिर से कर्मचारी ये मांग उठाएंगे। भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं 29 अप्रैल को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में डिप्रेशन के चलते एक युवक ने फांसी लगा ली। 9 साल की बेटी ने सबसे पहले पिता को कमरे में फंदे पर लटके देखा। मां को बताने पर पड़ोसियों को बुलाया और दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतारा गया। तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक विनोबा नगर में रहने वाले दिनेश पुत्र रमेश डाक्से बुधवार को काम पर नहीं गया था। उसने पत्नी रेणु से कहा था कि वह आज घर की सफाई कर देगा। सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो मां के कहने पर बेटी ने बाहर से काफी देर तक आवाज लगाई। जब पिता दिनेश ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बेटी ने कूलर पर चढ़कर अंदर झांका। दिनेश फंदे पर लटका हुआ था। कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बुधवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। भोपाल, छिंदवाड़ा और देवास में बारिश हुई, जबकि बुंदेलखंड बघेलखंड गर्म रहे। खजुराहो में तापमान रिकॉर्ड 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीजन में पहली बार पारा इतना चढ़ा। इसके अलावा नौगांव, सीधी, सतना, दमोह, रतलाम, नरसिंहपुर और खरगोन में तापमान 40-42 डिग्री के बीच रहा। प्रदेश के 17 शहरों में तापमान 44 डिग्री या इससे ज्यादा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए एमपी। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।